प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाओ। आप बहुत प्रयत्न करते हो कि आत्मा में आगे बढ़े, लेकिन आप आत्मा में आगे नहीं बढ़ रहे। आप बहुत बार चाहते हो ये पाप ना करो, ये गलती ना करो, ये गुनाह ना करो, लेकिन फिर भी आपसे हो ही जाता है। क्यों ऐसा होता है, क्यों आप आत्मा में नहीं चल पाते, इसका कारण क्या है, तो वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में बने रहो। संत पौलुस, जिनके जीवन में अचानक से बहुत बड़ा परिवर्तन आया, ये संत पौलुस जो है उनमें इतना बड़ा परिवर्तन आया कैसे, और संत पौलुस जो थे उनका पुराना जीवन देखो कैसा था। मसीह लोगों को सताने वाले थे, मसीह लोगों को मारने वाले थे, उनको पकड़कर जेल में डाल देते थे, यहाँ तक कि खत्मा भी कर देते थे। बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन जो स्टेफन था जिसको मारने में पौलुस ने भी सहमति दी थी, और जो लोग पथराव कर रहे थे उनके कपड़े पौलुस उस कपड़े की देखभाल कर रहे थे। लेकिन ये जो स्टेफन जो थे वो और ये पौलुस, ये दोनों मित्र थे, दोनों साथ में पढ़ाई करते थे। बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन जिन लोगों ने बाइबल स्टडी की है, इतिहास को जानते हैं, उन लोगों का कहना है। अब ये बात सच है झूठ है मैं नहीं जानता, लेकिन अगर ऐसा है तो देखो पौलुस कैसे थे, अपने मित्र को भी मरवा दिया, उसमें भी उन्होंने परमिशन दे दी। तो ऐसे पौलुस थे, लेकिन अचानक उनमें परिवर्तन आया। एक बार वो लोगों को मारने के लिए, लोगों को इकट्ठा करने के लिए, जेल में डालने के लिए वो दमस्कस जा रहे थे। जब दमस्कस जा रहे थे तो रास्ते में उनको परमेश्वर का विजन हुआ। रास्ते में उनके ऊपर एक प्रकाश आया और प्रकाश इतना भारी था कि पौलुस गिर पड़े और उनकी आंखें बंद हो गई, और आसमान से एक आवाज़ आई कि शाऊल शाऊल तुम मुझे क्यों सता रहे। तो संत पौलुस बोल रहे कि प्रभु आप कौन हो जिसको मैं सता रहा हूँ। तो बोले मैं यीशु हूँ जिसे तू सता रहा है। और पौलुस जो है उस दिन से उनके जीवन में बहुत बहुत परिवर्तन आया, अचानक परिवर्तन आया। जिस विश्वास में लोग चलते थे उस विश्वास को तोड़ने वाले अब उस विश्वास में चलने लगे, उस विश्वास में लोगों को बढ़ने लगे, उस विश्वास का प्रचार करने लगे, यीशु ही मसीह है, यीशु ही हमारे परमेश्वर है। ऐसा प्रचार पौलुस ने जोरों शोरों से लोगों के बीच में किया। जो मारने वाले थे अब बचाने वाले बन गए, जो तोड़ने वाले थे वो तो बनाने वाले बन गए, जो मौत देते थे अब जीवन देने वाले वो तो बन गए, जो दुख देते थे वो आनंद देने वाले बन गए। पौलुस में जबरदस्त परिवर्तन जो है वो परिवर्तन आया। और मैं आपके सामने एक वचन पढ़ता हूँ जो है फिलिपिया में, फिलिपी उसका तीसरा अध्याय और उसका 7-8 वचन। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। बोले आज तक मैंने जितना प्राप्त किया था उस सबको कूड़ा समझता हूँ, कचरा समझता हूँ। अभी पौलुस जो है वो गमालेल नाम के एक इंसान, उस गमालेल के चरणों में बैठकर उन्होंने बाइबल स्टडी की थी। उस जमाने में जाने माने हुए एक टीचर, उनके पास उन्हें सब कुछ सिखा था, लेकिन आज वो क्या बोल रहे हैं, मतलब वो सब तो कचरा है। बोले मैंने जो शिक्षा प्राप्त की थी वो तो गलत थी, मैं तो मसीह लोगों को मारता था, परेशान करता था, वो शिक्षा मुझसे गलत दी गई थी। उससे पौलुस को काफ़ी फायदा भी था, लेकिन बोले मैं उस सबको कचरा समझता हूँ और फेंक देता हूँ। आपको मालूम है कि पहले आज से 30-35 साल पहले जो घर में इलेक्ट्रिसिटी है ना, उसमें एक बल्ब आता था, वो बल्ब आता था येलो कलर का, मतलब उसमें से जो रोशनी निकलती थी ना वो
येलो कलर की निकलती थी। फिर उसके बाद ट्यूबलाइट आई, फिर ट्यूबलाइट जलाने लगे, उसमें से वाइट प्रकाश निकलता था और ज़्यादा प्रकाश निकलता था, लोग बल्ब को भूलने लगे। और आज तो एलईडी बल्ब आ गए, लोग उस ट्यूबलाइट को भी भूल गए। एलईडी से प्रकाश भी अच्छा मिलता है, लाइट बिल भी हमारा कम आता है। तो अब ऐसा होने लग गया, अभी आज अगर कोई वो येलो बल्ब किसी को मुफ्त में भी दे ना, तो भी कोई इस्तेमाल नहीं करेगा। क्यों? पहले तो उसकी रोशनी अच्छी नहीं लगती, रोशनी अच्छी आती भी नहीं, और उससे लाइट बिल भी ज़्यादा आता है, कौन इस्तेमाल करे। मतलब जैसे जैसे अच्छी चीज़ें आई, पुरानी चीज़ लोगों ने निकाल दी। अब वो पुराने चीज़ों को कचरा समझते, और है भी कचरा, लेकिन नई चीज़ें अच्छी है। अभी देखो जो कचरा होता है उसे कोई संभाल कर रखता है? कचरे को क्या करते हैं? उसको तुरंत निकाल कर फेंक देते। क्यों लोग वो बल्ब भूल गए, क्यों लोग ट्यूबलाइट भूल गए? क्योंकि अब नई लाइट एलईडी नया प्रकाश जो है वो आ गया। क्या किसी ने बोला इसको भूल जाओ? क्या किसी ने बोला इसको निकाल दो? नहीं, फिर भी लोगों ने निकाल दिया। क्यों? अब वो कचरे के समान है, अब इसकी ज़रूरत मुझे नहीं है। एक अनुभव जो है वो हो गया कि सच्चा क्या है और सही क्या है। जब पौलुस ने परमेश्वर का वो प्रकाश देखा, और जब वो प्रकाश देखा, तब उनको पता चल गया कि मेरे पास जो प्रकाश था और जिसे मैं प्रकाश समझता था, वो तो प्रकाश है ही नहीं, वो तो अंधेरा है। और मालूम है पौलुस ने कैसा प्रकाश देखा था? एक वचन और हम पढ़ते हैं, जो है प्रेरितों के काम उसका 22वां अध्याय और उसका वचन 6। जब मैं चलते चलते दमिश्क के निकट पहुंचा, तो ऐसा हुआ कि दोपहर के लगभग एकाएक एक बड़ी ज्योति आकाश से मेरे चारों ओर चमकी। क्या लिखा है? आकाश से चारों ओर चमकी एक बड़ी ज्योति। मतलब दोपहर था, और दोपहर में तो धूप निकलती है, वो तो प्रकाश है ही, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा प्रकाश था। फिर एक वचन में और पढ़ता हूँ, जो है प्रेरितों के काम उसका 26वां अध्याय और उसका 13 वचन। तो हे राजा, मार्ग में दोपहर के समय में मैंने आकाश से सूर्य के तेज से भी बढ़कर एक ज्योति अपने और अपने साथ चलने वालों के चारों ओर चमकते हुए देखी। सूरज से भी ज़्यादा रोशनी, सोचो, इतनी बड़ी रोशनी, इतना बड़ा प्रकाश, इतनी बड़ी ज्योति जो सूरज से भी ज़्यादा है, और वो भी दोपहर के वक्त। तो सोचो वो कितना प्रकाश होगा। और ये प्रकाश में, इस ज्योति में, पौलुस के जीवन में जो कचरा था, जो गलत शिक्षा थी, जो गलत परंपरा थी, वो दिखाई दी। और इसलिए पुरानी सारी बातें उनके जीवन से अपने आप चली गई, क्योंकि उन्होंने जो रोशनी देखी, जो ज्योति देखी, जो प्रकाश देखा, उसमें अपने अंदर जो कचरा था वो कचरा दिखाई दिया। अब कचरे को कौन संभाल कर रखता है? कचरे को तो लोग फेंक देते। अब आपके जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आता? क्योंकि जो पुराने जीवन का कचरा है वो भी निकला नहीं, आप उसको निकाल नहीं पाते। गाली बोली देते हो, लड़ाई झगड़ा कर देते हो, निंदा कर ही देते हो, ये सब कचरा है, लेकिन क्यों नहीं निकलता? क्योंकि वो प्रकाश अभी आज तक आपको मिला ही नहीं, वो प्रकाश आपके जीवन में आया ही नहीं। और मालूम है प्रकाश क्या है? एक वचन और मैं पढ़ लेता हूँ, जो है पुराने नियम में भजन संहिता और उसका 119 में 105। और देखो वहाँ पर क्या लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। परमेश्वर का वचन वो प्रकाश है। जब तक परमेश्वर के वचन का वो भारी प्रकाश जो सूरज के तेज से भी ज़्यादा है, वो प्रकाश जब तक आपके ऊपर आएगा नहीं, तब तक आपको अपने अंदर जो कचरा है वो कचरा नहीं दिखाई देगा। जब कचरा नहीं दिखाई देगा तो आप उसको निकालोगे नहीं, निकालोगे नहीं तो कचरा तो बार बार आएगा, और आपकी उन्नति जो है वो उन्नति नहीं दिखाई देगी, उन्नति नहीं होगी।
पॉलुस के जीवन में तब उन्नति आई, तब वो कचरा निकला, जब उनके जीवन में बड़ा प्रकाश आया। आप भी अपने जीवन में इस प्रकाश को लेकर आओ, ज़्यादा बाइबल पढ़ो, परमेश्वर के अच्छे दासों को पकड़ो जो मोटिवेशन देते हैं, ऐसे मैसेज छोड़ो। बाइबल का वचन एक तलवार है, और ऐसे वचन सुनो जिसमें तलवार दिखाई देती हो, जिसमें तलवार चलती हो, जिसमें आपका हृदय छिद जाए। ऐसे वचन सुनो, वो प्रकाश लो, और प्रकाश लोगे तो आपके अंदर का कचरा आपको दिखाई देगा, और आप उस कचरे को छोड़ दोगे, तभी आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, तभी आप सच्चा मसीह जीवन जी सकोगे और परमेश्वर में आगे बढ़ सकोगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।